पूर्वी दिल्ली में चकरपुर रोड पर स्थित है योग माया ज्योतिष केंद्र। इस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति की नज़र सहसा इस बोर्ड पर जरूर पड़ती है और इसे देखकर यह एहसास हो जाता है कि अवश्य ही परमात्मा की कृपा प्राप्त कोई मनुष्य लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। योग माया ज्योतिष केंद्र में प्रवेश करते ही प्रभावशाली ऊर्जा लोगों के विश्वास को और मजबूत कर देती है और केंद्र की हर सीढ़ी आध्यात्मिकता की शिक्षा देती है। हर पायदान पर हमें नवग्रह की शक्ति का एहसास हो जाता है। यह सीढ़ी हमें बताती है कि नवग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति को परमात्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है और उसकी आस्था ईश्वर में बढ़ जाती है। योग माया ज्योतिष केंद्र में प्रवेश करते ही लॉबी विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित है। अपने दुखों से हैरान परेशान व्यक्ति कुछ देर यहाँ बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। योग माया ज्योतिष संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जो भी यहाँ आता है मन वांछित फल पाकर जाता है। योगी राज जी माँ काली के समीप बैठकर लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सुख और दुख ईश्वर की देन है, लेकिन इन दुखों को भाग्य समझकर हमें चुप नहीं बैठना है। नवग्रह के चक्र को भेदकर यंत्र मंत्र नग व रुद्राक्ष द्वारा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए ज्योतिष शिरोमणि पंडित योगी राजी उपस्थित हैं। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए योगी राजी ने घर बैठे यंत्रों की स्थापना की सीढ़ी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आम लोगों के लिए निकाली है, जिससे आप घर बैठे बिना किसी खर्च के इन यंत्रों को अपने घर या कार्यालय में स्थापित कर जीवन में सुख व शांति ला सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम अध्यात्म की ओर में। आज हम इस कार्यक्रम में आपको ओम श्री महागणेश यंत्र को जप द्वारा स्थित करवाने जा रहे हैं। ये जप उनके लिए है जो सज्जन गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ज़्यादा विधि विधान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कई गंभीर समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। जप के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएँ तैयार कर लें। नंबर एक, ओम श्री महागणेश यंत्र। 108 दाने की रुद्राक्ष की माला जिसके सुमेर पर एक मुखी रुद्राक्ष लगा हो। 3, केसर चंदन और गंगाधारी सामग्री युक्त तिलक। 4, रक्षा सूत्र यानी के मौली। 5, उषा आसन। 6, धूप व माचिस। 7, गंगा जल और फूल। सज्जनों, इनमें से कोई भी वस्तु अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप योगी राज जी के केंद्र से मंगवा सकते हैं। सामान की लिस्ट आप ज्योतिष केंद्र से पत्र द्वारा भी मंगवा सकते हैं। योग माया ज्योतिष केंद्र, WA 117, शकरपुर, दिल्ली 92, मोबाइल नंबर 9310201020। अब श्री योगी राज जी आपको नौकरी, मुकदमेबाजी, डर, बुरे सपने, शुभ कार्य में विघ्न जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपके पास रखे हुए ओम श्री महागणेश यंत्र को जप द्वारा सिद्ध करवाने जा रहे हैं। आपको बस वैसे ही करते रहना है जिस प्रकार योगी राज जी करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कुशासन पर इस प्रकार से बैठ जाएं। आपने बताई गई सामग्री तैयार कर ली होगी। अब गंगा जल से सामग्री को, ओम श्री महागणेश यंत्र को और अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध कर लें।
ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो वपिवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यंतरा सुचि ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम गोविंदाय नमो नमः। अब गणेश जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र बल सर्वाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रकस्वा मरुता पिंडिमातरा शुभं जावानो व्रजते सुजगमयाग्निर्जीवा मनवासुर चक्षसो विश्वेनो देवा ओषाग्मन्ने भद्रं कर्णे पेषुण्यां देवा भद्रं पक्षेमाक्ष विजयत्रा ओं दौ शांति प्रतवे शांतिरापा शांति रोगदया शांति वनस्पत्या शांति विश्व देवा शांति ओम ब्रह्म शांति 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 सुख शांति रे भवतु। अब धूप जलाएं और सामग्री को तथा ओम श्री महागणेश यंत्र को इस प्रकार से दिखाएं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि। अब रक्षा सूत्र यानी मौली को यंत्र पर इस प्रकार से बांधें। एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल। अब यंत्र पर उसका नाम लिख दें जिसके लिए यह यंत्र बनाना है। यदि अपने लिए बनाना है तो अपना नाम लिख दीजिए। अब यंत्र पर टीका लगाएं। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्रह्मंड महाबला जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब यंत्र को इस प्रकार से पकड़ लें और अपने गुरु का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार बैठे रहें, गणेश जी का ध्यान करते रहें। यदि आपको यह महामंत्र आता है तो आप भी इसका उच्चारण कीजिए या फिर पंडित जी के मुखारविंद से सुनने मात्र से ही आप लाभ उठा सकते हैं। आपने यह मंत्र 108 बार जपना है। प्रत्येक मंत्र के बाद इस यंत्र को एक बार फूंक दें। इस प्रकार आपका यह यंत्र एक बार मंत्रित हो जाएगा। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे आहम जानी गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। हरि ओम गणानां त्वा गणपति प्रियाणां त्वा प्रियपति मुंह वामहे
पति मुंगवामहे आहम जासि गर्भदम तुम जासि गर्भदम हरि ओम गणानांत्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंघवामहे निधीनांत्वा निधिपति गुंघवामहे आहम जासि गर्भदम तुम जासि गर्भदम इस यंत्र को पूर्ण सिद्ध करने के लिए बार बार इस जप में भाग लें, प्रतिदिन इसके दर्शन करें और माथा टेकें। गणेश जी द्वारा आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या या किसी विशेष पूजा पाठ के द्वारा यंत्र बनवाना हो तो संपर्क करें। पता इस प्रकार है, योग माया ज्योतिष केंद्र, WA 117, शकरपुर, दिल्ली 92, मोबाइल नंबर 9310201020। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश।